और देखिए आरजेडी ने पहली बार यह माना है कि नीतीश साथ छोड़कर जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश चले जाएंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आरजेडी ने पहली बार यह स्वीकारोक्ति की है, आरजेडी की तरफ से पहली बार यह बात मानी गई है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं, धाकड़ नेता हैं, उनका यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश चले जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी। आप सुशील से पूछिए, इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी ने उस समय कुरान में अभी 3 दिन पहले की बात, लेकिन आज कह दिया है कि दरवाजा उसमें आज भी सूरी दिखा क्या था, जैसे नीतीश कुमार उसे सुशील मोदी नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते है कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है, उसके बावजूद ही आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई। शिवानंद तिवारी को आपने सुना, एक बार फिर से मैं आपको पटना लिए चलता हूं, चूंकि तमाम जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जो हलचल है उसका केंद्र भी पटना है, बिहार की राजधानी पटना। प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश, वहां की राजनीति को आप लंबे वक्त से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उससे संबंधित खबरें दर्शकों तक पहुंचाते हैं। शिवानंद तिवारी वो बयान याद दिलवा रहे हैं, सुशील मोदी ने जो बात कही थी एक बार कि चाहे जितना मर्जी नाक रगड़ ले नीतीश कुमार, लेकिन उनके लिए अब दरवाजे बंद हो गए हैं, और आज कह रहे हैं कि कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। देखिए, जिस समय में पहली बार इन लोगों ने बोलना शुरू किया था, आपको याद होगा अमित शाह ने रैली में कहा था कि इनके कई ऐसे सांसद हैं जो हमारे दरवाजे को खटखटा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। दरवाजा दरअसल उसी समय खोलने की तैयारी हो चुकी थी, और यही वजह है कि यह बार बार रिपीट तब तक करता गया जब तक कि शर्तें जो हैं, देखिए कोई भी अगर गठबंधन नया बनता है या टूटता है तो वो एक दिन में नहीं होता अखिलेश, उसकी तैयारी बहुत पहले से होती है। और जैसे ही लोग किसी बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू करते हैं, उसके बारे में जोर से बोलना शुरू करते हैं, तो आप समझिए कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है, और वो पेच जैसे ही ख़त्म होगा सामने चीज़ें आ जाएंगी। तो भले ही ये लोग कह रहे हों कि दरवाज़ा बंद है, अब कभी नहीं खुलेगा, अब कभी नीतीश कुमार नाक रगड़ेंगे तो भी नहीं आएंगे, पर दरअसल तैयारी अंदर खाने में चल रही थी। और इसकी वानगी मैं बताता हूँ कि जब दिल्ली में बिहार के सभी बड़े नेताओं को वहाँ तलब किया गया था, और वहाँ पर तमाम नेता, बड़े नेता भी मौजूद थे, तो उस मीटिंग में सिर्फ एक ही सवाल किया गया कि क्या आप लोग तैयार हैं जेडीयू के साथ जाने के लिए, तो सभी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर बातें बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जाहिर है कि जो ऊपर से जो नीचे तक बयान आते हैं, ऊपर से नीचे तक जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो पहले से ही तय होता है और उसी हिसाब से मुताबिक काम होता है। तो अब कल सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ तय हो चुका है, अब कहीं कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब एक औपचारिकता है कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बने, उनके साथ सब कुछ तय हो चुका है। अब सवाल एक बड़ा खड़ा ये होता है कि जो कुछ तय हुआ उसका पूरे देश भर में क्या संकेत जाने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।